मैं शिखा अपने चैनल शिखा बख्शी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि 6 से 8 महीने के शिशुओं को क्या खिलाएं। 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना होता है। 6 महीने के बाद उसको माँ के दूध के पोषण के अलावा और भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस समय बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम ग्रो हो रहा होता है और जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर आयरन और मिनरल्स की मात्रा स्टोर होती है जो 5 से 6 महीने तक आते आते घटने लगती है। तब इस समय शरीर में कोई कमी ना आए, बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो और बच्चे का पेट भरा रहे तो हम उन्हें सॉलिड देना शुरू करते हैं। अब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो माएं परेशान हो जाती हैं, क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं। देखिए, जब बच्चे को आप सॉलिड शुरू करते हैं तो एकदम पर उसका ब्रेस्ट मिल्क बंद मत करिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में कई बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। आप सॉलिड देते रहिए और उसके साथ धीरे धीरे उसका ब्रेस्ट मिल्क बंद करिए। अगर आप वर्किंग हैं तो 6 महीने तक ही दीजिए और अगर आप हाउसवाइफ हैं तो जरूर उसे 1 साल तक तो पिलाइए। अब बच्चे को जब आप सॉलिड देना शुरू करें तो दिन में 1 सॉलिड से शुरू करें और उस 1 सॉलिड को लगातार 3 दिन तक दीजिए। जैसे आप एप्पल ले रही हैं तो एप्पल उसे 3 दिन तक दीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को इससे कोई एलर्जी तो नहीं होती, और एलर्जी नहीं होती तो आप आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। बच्चे को सबसे पहले मीठा ही खिलाइए, आप फल से शुरू करिए, और क्योंकि बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पीता है इस समय तक और ब्रेस्ट मिल्क मीठा होता है तो बच्चे मीठे का टेस्ट अच्छी तरह जानते हैं और उसे ले लेते हैं। जब आप बच्चे को ऊपरी आहार देना मतलब सॉलिड आहार देना शुरू करते हैं तो बच्चे के साथ जबरदस्ती नहीं करें, अभी वो सीख रहा है, धीरे धीरे वो सॉलिड का खाने का यूज टू हो जाएगा। अब बच्चे को क्या खिलाएं? आप बच्चे को फल खिला सकते हैं। फल में बच्चे को केला, पपीता, चीकू, पीच ये सब खिला सकते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल होते हैं। ये सब प्यूरी की फॉर्म में दें, मतलब जैसे ब्रेस्ट मिल्क पतला सा होता है वैसे ही वो भी पतले फॉर्म में हो, क्योंकि अभी बच्चा निगल नहीं सकता, गले में अड़ ना जाए उसके। और बच्चे को सब्जियों में आप उसे पालक दीजिए, शकरकंदी दीजिए, आलू दीजिए, टमाटर दीजिए, सब ये भी सब प्यूरी फॉर्म में ही दीजिए। बच्चे को बीन्स दीजिए। मैं अपने बच्चे को अपने बेटे को बीन्स देती थी, छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसको उबाल लेती थी, क्योंकि बीन्स में रिच प्रोटीन होता है और वो खा भी लेता था। शकरकंदी बहुत को तो उसके अंदर बहुत मात्रा में पोषक तत्व होते हैं और बच्चे का वेट गेन इससे बहुत अच्छा होता है, तो आप वो दीजिए। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसे चिकन भी खिलाइए, जिससे उससे प्रोटीन की कमी पूरी होगी और उसकी हड्डियों में ताकत आएगी। और यही टाइम होता है जब आप बच्चों को ग्रेन भी खिला सकते हैं। आप सूजी खिलाइए, उसकी खीर बना के वो भी बिल्कुल पतली फॉर्म में खिलाइए, क्योंकि 6 महीने तक अगर बच्चा ग्रेन लेने शुरू कर देता है तो हमें पता चल जाता है कि बच्चों को अनाज से भी कोई एलर्जी नहीं है। आप बच्चे को चावल का पानी दे सकते हैं, दाल का पानी ना देके आप उसे पतली पतली दाल भी दे सकते हैं। दाल में ध्यान रखें कि दाल सिर्फ मूंग दाल ही दें, क्योंकि सबसे हल्की दाल और सबसे जल्दी पचने वाली दाल मूंग दाल ही होती है। अब जान लेते हैं कि बच्चों को कैसे खिलाएं। शुरू में आपने बच्चे को बहुत थोड़ी क्वांटिटी में खिलाना है, क्योंकि उसका पेट बहुत छोटा सा है। धीरे धीरे आप क्वांटिटी बढ़ाइए। बच्चे को कभी भी लिटाकर खाना मत खिलाइए, बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर या सहारे से बिठाकर खिलाइए। बच्चे को खाना खिलाने से पहले आप ये जान लीजिए कि बच्चा भूखा है भी या नहीं। सॉलिड खाना खिलाने से पहले बच्चे को थोड़े घंटे पहले तक ब्रेस्ट फीड मत कराइए, इससे बच्चा अच्छे से खाना खा लेगा। जब बच्चा धीरे धीरे एक डाइट लेने लगे तब आप उसकी डाइट 1 की बजाय 2 कर दीजिए, फिर 2 की बजाय 3 कर दीजिए। ऐसे करके 6 महीने से 8 महीने के बीच में बच्चे को 2 से 3 डाइट दीजिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।